Good morning. Today we are discussing about currency trading. एक दरवाजा और खुलता है आपके पास अपॉर्चुनिटी का. आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किया, आपने कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग किया, लेकिन अब एक नया मार्केट उभर के सामने आता है, करेंसी ट्रेडिंग. करेंसी ट्रेडिंग कोई नई चीज नहीं है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से सारी दुनिया में ट्रेडिंग होती रही है. तो हर देश की अपनी एक करेंसी, अपनी एक मुद्रा होती है. करेंसी है क्या चीज? पुराने जमाने में जब इंसान ने पहली बार अपनी कोई वैल्यूएबल चीज का एक्सचेंज शुरू किया, पहले बार्टर सिस्टम था, चीज के बदले चीज दे देते थे. अब कैसे डिसाइड करें कि कौन सी चीज किस चीज के एक्सचेंज में दी जानी चाहिए? तो एक स्टैंडर्ड चीज, स्टैंडर्ड कोई चीज बनाने की, कोई ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत हुई कि उससे सबको नापा जा सके. तो एक मुद्रा बनाई गई. उस मुद्रा को चाहे वो धातु से बनाए, चाहे वो कागज से बनाए, तरह तरह के रूप बदले मुद्राओं ने, लेकिन मुद्राएं एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पूरे क्षेत्र में एक यूनिवर्सल एक्सचेंज का टूल होती है. कि आप कोई भी चीज़ खरीदनी है तो बता दिया जाएगा ये चीज़ 100 रुपए की है, 1000 रुपए की है, 1500 रुपए की है, 5000 रुपए की है. तो भारत क्षेत्र में रुपया एक मुद्रा हो गई, अमेरिका में US डॉलर वो एक मुद्रा हो गया, यूरोपियन पूरा जोन है उसमें यूरो नाम की एक मुद्रा बनाई गई जिसको 4-5 देशों में, सभी देशों में ऑपरेट किया जाता है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का अपना डॉलर वगैरह है ना, जापान का येन है. तो ऐसी सारी मुद्राएं हैं. करेंसी मींस टूल ऑफ फाइनेंशियल एक्सचेंज. करेंसी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ती है, गिरती है. करेंसी ट्रेडिंग जैसे मैंने बताया, पहले फॉरेक्स ट्रेडर ट्रेडिंग में हमेशा लोग करते रहे हैं, लेकिन आज भी इंटरनेट पे कई सारी फॉरेक्स ट्रेडिंग की वेबसाइट्स मिलेगी आपको, लेकिन ये इंडिया में लीगली कंफर्टेबल नहीं है. तो करेंसी ट्रेडिंग के लिए इंडिया में 2 नए प्लेटफॉर्म शुरू हुए हैं. उसमें है MCX SX, जो एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कमोडिटी के लिए चल रहा है, उसी का सिस्टर कंसर्न है MCX SX, जो करेंसी के लिए है स्पेशली. और NSE का करेंसी फ्यूचर सेक्शन शुरू हुआ है. एक स्टॉक मार्केट या कमोडिटी ट्रेडर के लिए भी करेंसी मार्केट को जानना वैसे भी ज़रूरी है. आप इसमें ट्रेड करो या नहीं करो, लेकिन करेंसी के मूवमेंट से सीधे सीधे आपके इंडाइसेस के मूवमेंट जुड़े हुए रहते हैं. ग्लोबल इंडाइसेस जैसे स्टॉक मार्केट में आपका नास्डेक और डाउ, वो सीधा सीधा अफेक्ट होगा करेंसी के मूवमेंट से. और हमारा निफ्टी सेंसेक्स उससे जुड़ा हुआ है करेंसी के मूवमेंट से. और कमोडिटी मार्केट में गोल्ड, सिल्वर या क्रूड की प्राइस सीधे सीधे डॉलर के अप या डाउन से जुड़ी हुई है. तो हमको वैसे भी इस पे नज़र रखना तो होती है, लेकिन इसको तो नज़र रखने का एक सही तरीका, एक सही बहाना आ रहा है कि आप अगर करेंसी में भी पैरेलल ट्रेडिंग शुरू कर दें तो आप लगातार डॉलर के और रुपीज़ के मूवमेंट पर नज़र रख सकते हैं. 4 तरह की करेंसीज के पेयर पे काम होता है. करेंसी हमेशा पेयर में काम करती है. रुपये की अपने में अकेले कोई वैल्यू नहीं है, इनकी रिलेटिव वैल्यू होती है कि 1 रुपये में डॉलर की वैल्यू क्या है, 1 डॉलर में रुपीज़ की वैल्यू क्या है. तो ये पेयर काम करेगा. ऐसे GBP INR है, ग्रेट ब्रिटेन का जो पाउंड है, उसका रुपीज़ के साथ क्या वैल्यू है. फिर JPY मतलब जापानीज येन, जापान की येन के साथ रुपीज़ की क्या वैल्यू है ना. और यूरो रुपीज़ की बात करेंगे कि यूरो एक मुद्रा है, यूरोप में, पूरे यूरोप में चलती है, तो उसकी रुपीज़ के साथ में क्या पेयरिंग चल रही है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं. स्क्रीन पे उसकी लिस्टिंग वैसे ही होती है जैसे आपकी कमोडिटी या स्टॉक मार्केट की कोई स्क्रिप्ट चलती है. उसमें मूवमेंट होते हैं, तो मूवमेंट का क्या पैमाना है उसको देखें. हर एक करेंसी का 1000 का लॉट होता है, और इसमें 1 पैसे का मूवमेंट हो गया तो 10 रुपये का प्रॉफिट या लॉस आएगा. 10 पैसे का मूवमेंट हो गया तो 100 रुपये का प्रॉफिट या लॉस आएगा. 1 रुपये का मूवमेंट हो गया तो 1000 रुपये का प्रॉफिट या लॉस आएगा. और इसमें जो टिक साइज होती है, डेसिमल के बाद 4 जीरोज हैं और उसके बाद डिजिट है, इतना छोटा मूवमेंट भी उसमें काउंट होता है. तो 4 पेयर्स मैंने बताए, USD INR, US डॉलर, इंडियन रुपीज, GBP INR, ब्रिटिश पाउंड, इंडियन रुपीज, यूरो INR, यूरो के साथ में इंडियन रुपी,
और JPY INR जापानीज येन और इंडियन रुपीस। सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है, 5 बजे तक ये मार्केट काम करता है। नॉर्मल डे में एक करेंसी में मूवमेंट हो सकता है 0.5 मीन्स 50 पैसे तक, और किसी एक्सट्रीम डे में ये 1 से 2 रुपए तक का भी मूवमेंट आता है। इसका मार्जिन पहले बहुत कम लगा करता था, ये मार्जिन जब शुरुआत हुई थी तब 2,000 रुपये के मार्जिन में पूरा 1,00,000 रुपये का लॉट आप ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अभी 4 से 5 हज़ार रुपये के मार्जिन में आप 1,00,000 रुपये का ट्रेड कर पा रहे हो। ट्रेडर्स के लिए इसमें कोई खास रिस्क है ही नहीं, मैं तो उसको इस तरीके से कहूँगा कि ट्रेडिंग के लिए हर इंसान को एक तरह का चस्का होता है। अब उसको ज़्यादा रिस्की मार्केट से हटा के कम रिस्की मार्केट में दिन भर लगा दो, और उसके बाद शाम को सही टाइम पे जब मूवमेंट हो रहा है तो कमोडिटी मार्केट में भेज दो, जब मूवमेंट हो रहा है तो स्टॉक मार्केट में 2:30 से 3:30 बजे भेज दो, बाकी टाइम आप करेंसी मार्केट में काम करते रहो। तो करेंसी के मूवमेंट से इनका जो जुड़ाव है उसको भी आप लगातार देखते रहेंगे, एक अच्छा खासा टर्नओवर होता है, तो वो ट्रेडर्स के लिए ब्रोकर्स के लिए दोनों के लिए अच्छी बात है। ब्रोकर्स को भी करेंसी के टर्नओवर से काफ़ी फ़ायदा होता है, और अच्छी बात यह है कि अभी इनके टैक्सेस काफ़ी कम है, तो आप करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं। करेंसी ट्रेडिंग करने से पूरा एक ग्लोबल आई, एक ग्लोबल व्यू आपको मिलता है, आपकी आंखें खुलती है पूरी दुनिया के लिए, तो वो करेंसी का फ़ायदा है। करेंसी पे आगे और भी लेक्चर्स होंगे, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो एनालिसिस का तरीका वही होता है, ट्रेडिंग के रूल्स लगभग वही होते हैं, डिसिप्लिन वैसे ही चाहिए होता है और नॉलेज वैसे ही हमको सीखना होता है। तो करेंसी के अगले वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।